आरोग्य जागृति स्वागत करो। आज अपना कार्यक्रम जागतिक आरोग्य या कार्यक्रमामध्ये विशेष करून आपल्या इथं डॉक्टर सुधा पांढरे मॅडम तसेच पुन्हा संतोष मुळा मधुकर आहेत ते आपल्याला पाहुणे आलेले आहेत। थोडासा परिचय करून देऊ इच्छितो। सन्माननीय डॉक्टर सुधा पांढरे मॅडम सर बिना माइक भी बोल दीजिए। बिना माइक भी बोल दीजिए। हाँ बिना माइक के। आरोग्य
बघा
आता आपण ऐकत असतो पुन्हा पुन्हा प्रत्येकवेळेस ऐकत असतो तर पुण्यामध्ये घटना जो असते ती पेपरमध्ये मुलगी बारावी एक मुलगीने आपल्या सख्या आईला मारून टाकली कशाला ती बारावीची परीक्षा चालू होती ती परीक्षेसाठी आईने सांगितलं बाबा अभ्यास कर परीक्षा आहे तुझी मोबाईल दे माझ्याकडे त्या आईला डोकं चटापट झाले त्या आईचा गळा लावून त्या मुलीने मारून टाकलं का म्हणजे येणार जर आपण बाळांच्या हातात मोबाईल दिलं तर मानसिकता काय होईल तर प्रेमापासून ती लांब जाणार आहे आणि आईच्या प्रेमापासून जेव्हा ती लांब जाईल तेव्हा त्याच्या आरोग्यावर कुठे परिणाम आरोग्यावर परिणाम होणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला मॅडमचं हे जे सेशन आहे ते मेडिटेशनचं शिक्षण आहे का खूप गरजेचं आहे आपण सर्व मिळून या शिक्षणाचे नक्कीच आपल्याला जीवनात आपलं ते काम उपयोग होईल अशी मी आशा बाळगतो. महाराष्ट्र के अंतर्गत रोलो मेडिकेशन इस विषय पर आज कोई कुछ विचार मंथन करने वाले हैं. इसका उद्घाटन अभी यहाँ पर निवृत्त न्यायाधीश मैडम उमा जी बोरा ने किया है. उनके लिए हम ताली बजाएंगे जिन्होंने इसका आयोजन किया. ये आरोग्य जागृति के संपादक डॉक्टर शेख साहब इनके लिए ताली बजाएंगे. हमारे चाचा जी ज्येष्ठ पत्रकार आदरणीय मधुकर जी इनके लिए भी ताली और आप स्वयं जो मेरे सामने बैठे हो आपके लिए भी ताली. आज का हमारा विषय है रोल ऑफ मेडिटेशन. तो मेडिटेशन हमें क्या कहता है, मेडिटेशन हमने क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन ये क्या बात है, इसकी क्या विधि है और कैंसर का इसका क्या संबंध है, इसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन में आज देने वाली हूँ. ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि मैं यहाँ खड़े होकर एक साल भी बिना रुके बोलते रहो तो भी वो खत्म नहीं होगा. इतना बड़ा ये विषय है और मेडिटेशन केवल बैठ के करने की बात नहीं है. मेडिटेशन एक लाइफ स्टाइल है. चलते बैठते उठते बोलते खाते पीते सपना देखते सोते हर पल हर क्षण ये मेडिटेटिव स्टाइल से जीवन पद्धति से अगर हमने अपना जीवन सफल करना है तो इस मार्ग में हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं. तो कैंसर क्या होता है इसकी थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं कि जो कैंसर होता है तो कुंडली आती है, गांठ आती है ना, ये इसका प्रेजेंटेशन हमने देखा है. तो साइंस ऐसा कहता है कि हमारे शरीर में रोज करोड़ों सेल उत्पन्न होते हैं. सेल यानी पेशी, करोड़ों पेशी मतलब होते हैं जब वो पेशियों का प्रोडक्शन होता है, निर्मित होती है तो 10,000 में 2-3 ऐसी पेशी होती है जो डिफेक्टिव होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का वीट का कारखाना है, फैक्ट्री है, तो उन्होंने 1,000 वीट का प्रोडक्शन किया तो 2-3 वीट टूटी हुई, आधी हुई, थोड़ी डिफेक्ट हो सकती है. लेकिन अगर ऐसा हो तो उसको उठाकर बाजू में रख दिया और बाकी जो अच्छे अच्छे है वो सेल कर दिया. यूजुअली बिजनेस ऐसा चलता है. तो हमारे शरीर में भी ऐसा होता है कि जो सेल्स है अपने बॉडी में, अपने शरीर में जो पेशियां हैं वो रोज करोड़ों उत्पन्न होती हैं, तो उसमें से भी
एक दो दो चार पाँच छह ऐसे सेल डिफेक्ट जो निकल जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको रोग प्रतिकार शक्ति कहा गया है, जिसको इम्यूनिटी पावर कहा गया है। ये इम्यूनिटी पावर क्या करती, जो डिफेक्टिव सेल है उनको उठाकर शरीर के बाहर फेंकते, यानी अंदर क्या रहा, जो सही सेल्स है वही अंदर रहे, बराबर है। लेकिन ये कार्य कौन कर रहा है, ये डिफेक्टिव सेल डिलीट करने का या बाहर फेंकने का कार्य कौन कर रहा है, इम्यूनिटी पावर। कौन कर रहा है, इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिकार शक्ति ये कार्य कर रही है। लेकिन जब रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो दो तीन डिफेक्टिव सेल बाहर जा नहीं सकते। आज के दो तीन जमा हो गए, कल के दो तीन वापिस जमा हो गए, परसों के दो तीन वापिस जमा हो गए, एक साल के दो तीन मिलाकर बहुत बड़ी संख्या हो गई, क्योंकि वो बाहर फेंके गए नहीं, उसमें डिफेक्टिव जो सेल है वो बढ़ गए। तो अभी ये जो सेल क्रिएट होते हैं, पेशियों की निर्मित होती है, उसकी सिस्टम ऐसी है कि जैसी पेशी है वैसे ही अगली पेशी तैयार होती है। तो बॉडी को समझता नहीं कि ये अच्छी हेल्दी सेल है, इसको ही मल्टीप्लाई करे, या ये डिफेक्टिव सेल है इसको मल्टीप्लाई नहीं करे, ये समझता नहीं उसको। तो वो क्या करता, जब नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेल्स बढ़ जाते हैं तो वो उसको भी मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, यानी हेल्दी सेल भी मल्टीप्लाई हो गए, डिफेक्टिव सेल भी मल्टीप्लाई हो गए। तो हेल्दी सेल तो अच्छे हैं, लेकिन डिफेक्टिव सेल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसकी गुठड़ी बनती है, उसको कैंसर किया गया। उसका कारण क्या बना, क्या कारण बना, इम्यूनिटी पावर कम हो गई, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो गई। तो उसके कारण ढूंढने पड़ेंगे कि ये रोग प्रतिकार शक्ति क्यों कम हो गई, शराब पीना, पान खाना, तंबाकू खाना, अलग अलग प्रकार के कैंसर इसके कारण होते हैं, और भी कैंसर होने के कई कारण है, लेकिन मेजोरिटी कैंसर कहा गया है कि कुछ मेल को होते कुछ फीमेल को होते हैं। लेकिन अगर ओरल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लीवर का कैंसर है, लंग का कैंसर है, या अन्य कोई भी अवयव का कैंसर है, उसमें देखा गया है कि मेजोरिटी जो है वो साइकोसोमेटिक है, पहले मन को कमजोर करते हैं, कमजोर मन के कारण साइकोसोमेटिक वो शरीर पर आते हैं। अपने हर एक के शरीर में एक प्रकार की इम्यूनिटी पावर होती है, एक प्रकार का ऑरा होता है, और वो ऑरा बनता है अपने मन के विचारों से, मन में जो उत्पन्न हुई भावना उससे वो ऑरा बनता है। करीब फोटोग्राफी ऐसी एक चीज है जो फोटो निकालने से वो ऑरा का भी फोटो निकल जाता है, और ऑरा में जहां जहां ब्लैक डॉट्स निकलते हैं, जहां जहां ऑरा डिस्टर्ब होता है, कट होता है, तो तीन महीने के अंदर उससे रिलेटिव जो एरिया है वहां पर डिसीज होता है। क्या होता है, डिसीज होता, माने कौन सा भी रोग होता है उसमें कैंसर ही नहीं, लेकिन हार्ट डिजीज हो सकता, गले का कैंसर हो सकता, या दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता, यानी कोई ना कोई रोग उससे होता है, लेकिन उसका पीरियड तीन महीने का कहा गया है। और का एग्जामिनेशन करने के बाद उससे रिलेटेड जो काले धब्बे दिखाई देते, अगर ऑरा में गले के पास काले धब्बे दिखाई दे तो तीन महीने के अंदर गले की बीमारी होगी, अगर पेट के वहां काले धब्बे दिखाई दे तो पेट के वहां पर पेट की बीमारी आ जाएगी, कोई
फिर वो एपेंडिसाइटिस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, अल्सर हो सकता, कैंसर हो सकता, कुछ भी। तो ये रोग आने की एक निशानी, डिजीज होने की एक निशानी है। और वो ऑरा बनता किससे है, तो मन में जो विचार आते हैं, जो ख्याल आते हैं, जो भावनाएं उमड़ती है, उसी के ऊपर वो ऑरा बनता है। और ऑरा का डिजीज शरीर पे आने का जो टाइम है, जो कालावधि है, वो 3 महीने का है। 3 महीने के अंदर मेडिटेशन द्वारा अगर इस ऑरा को हमने क्लीन किया, हेल्थी बना दिया, तो वो बीमारी शरीर पे नहीं दिखाई देगी। वो मन के लेवल पर आई है, ऑरा के लेवल पर आई है, लेकिन शरीर पर नहीं दिखाई देगी अगर 3 महीने के अंदर मेडिटेशन के द्वारा ऑरा अगर हमने क्लीन किया। तो अपने भावनाओं का, अपने सोच विचार का, अपने मन की शक्ति का इतना बड़ा परिणाम हमारे शरीर पर हुआ, दिखाई देता है। एक इस पर एक्सपेरिमेंट हो गया और हमारी जो सोच विचार है उसका जो असर है हमारे पूरे शरीर पर, एक टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी। साइको यानी मन के विचार, भावनाएं, चिंतन। साइको न्यूरो, न्यूरो एंड ब्रेन, और ब्रेन से निकलती हुई सारी नसें जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, ब्रेन से निकलती हुई सारी नसें जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है उस पर असर होता है। ब्रेन, ब्रेन पर क्या असर होता है वगैरह हम स्लाइड शो के बाद साथ में फिर देखेंगे। फिर साइको न्यूरो इम्यूनो यानी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकार शक्ति पर असर होता है। साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी यानी हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां है, जितने भी हॉर्मोन्स है, वो सारे को मिलाकर एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम अपने शरीर की बनती है। कैंसर होने का जो मैंने कारण बताया कि जो हमारा शरीर हेल्दी सेल और डिफेक्टिव सेल को पहचानता नहीं और डिफेक्टिव सेल को मल्टीप्लाई करते जाता है क्योंकि इम्यूनिटी पावर कम हो जाती, इसलिए वो एबनॉर्मल सेल बढ़ते हैं, कैंसर होता है। दूसरा उसका कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हमारे शरीर में इतने ग्लैंड से देखो, पिनाइल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रेनलिन ग्लैंड है, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स यानी ग्रंथीज हैं और उसके द्वारा हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते जाते हैं। लेकिन उस हार्मोन में अगर इम्बैलेंस हो गया, जितनी क्वांटिटी चाहिए उससे कम हो गई या जितनी क्वांटिटी चाहिए उससे ज्यादा हो गई, यदि इम्बैलेंस हो गया तो हार्मोन का इम्बैलेंस होना भी कैंसर को निर्माण करता है। अभी देखा जाए जो हम रोज सोते हैं, अगर सोते हैं तो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है वो अगर नॉर्मल रह जाता है लेकिन कम नींद हो गई, रात में जाते रहे तो मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो कम रिलीज होता है और कैंसर को सिक्रेट करता है। तो अच्छी नींद होना, रात में शांति से सोना, ये बहुत आवश्यक बात है। तो अगर वो नहीं हुआ तो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन नॉर्मल से कम हो जाता, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती, कैंसर के सेल बढ़ जाते हैं, ये मुख्य कारण बताया गया है। और जब हम स्ट्रेस में आते हैं, चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, कभी दुख हो जाता है, कभी कोई बातों को होल्ड करते हैं, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि हम किसी को बता नहीं सकते, ना अपने वालों को बता सकते हैं, तो किसी दोस्त को बता सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, तो वो मन में ऐसी होल्ड हो जाती है।
और उसका ही चिंतन अपना मन करते रहता है। उसको याद करते करते वो हम डर जाते हैं, उसको याद करते करते मन में आंसू आ जाते हैं। और ये रिपीट जब होता है तो उसके कारण कॉर्टिसोल नाम का हमारा हार्मोन जरूरत से ज्यादा एकदम पीक पर चला जाता और वही कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ये और ऐसे बहुत सारे कारण है जिसके कारण कैंसर होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है अपने मन से, अपने भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें देखा गया है कि चार एनर्जीज अपने हेल्थ के लिए काम करती है। तो चार एनर्जी में पहली फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी और सोशल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी नॉर्मल रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए भोजन हेल्दी चाहिए, उसके लिए नींद शांति से और हेल्दी नींद चाहिए। और एक्सरसाइज जो रूटीन में हमने करना चाहिए, जो रूटीन एक्सरसाइज है वो हमने करना जरूरी है, और जहाँ जरूरत है वहाँ मेडिसिन लेना जरूरी है। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो मेडिसिन हो या कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो या ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, जो भी बोला है डॉक्टर ने वो करना चाहिए। ये फिजिकल एनर्जी, उसमें खान पान कैसा होना चाहिए वगैरह अगले सेशन में हम देख लेंगे। तो अभी ये खाली इंट्रोडक्टरी मैं आपको बता रही हूँ। एक होगी फिजिकल एनर्जी, दूसरी है मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, वो फॉर्मूला है टीम। तो टीम का स्पेलिंग आता है TEAM। टी एन ए थॉट्स, ई एन ए इमोशंस, ए एन ए एटीट्यूड, ए एन ए मेमोरी। इससे हमारा मन बनता है। मन जब शुभ हो, शुद्ध हो, शक्तिशाली हो, दिव्य हो, कोई भी बीमारी हमारे पास आती नहीं है। और टीम का दूसरा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हिंदी में है, वो है जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। और उसके लिए खास एक ट्रीटमेंट के रूप में एक महावाक्य है, वो महावाक्य है हार के भी ना हारे जीत उसी की होती है। क्या महावाक्य है? हार के भी ना हारे, इसी तो हमें हुआ है, जीत है। हार के भी ना हारे, हुआ तो है लेकिन मैं हारी नहीं हूं। हार के भी ना हारे जीत उसी की होती है। हार के भी ना हारे जीत उसी की होती है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसके ऊपर एक रिसर्च हो गया, इस रिसर्च को पियानो रिसर्च ऐसा कहा गया। इसमें दो ग्रुप्स बनाए गए, नंबर ए ग्रुप, नंबर बी ग्रुप। ए ग्रुप को उनके हाथ में पियानो दिया और उनको कहा कि ये आपको रोज 2 घंटा पियानो प्ले करना है। वो एक्सपर्ट है, रोज 2 घंटा उन्होंने पियानो प्ले किया। तो 5 दिन होने के बाद उनके ब्रेन का EEG ग्राफ निकाला गया। दूसरा ग्रुप जो बी था वो भी पियानो बजाने में एक्सपर्ट थे, लेकिन उनके हाथ में पियानो नहीं दिया गया। उनको भी कहा गया कि रोज 2 घंटा पियानो बजाना है। उन्होंने भी मानसिक लेवल पर हाथ में इंस्ट्रूमेंट ना लेते हुए पियानो बजाया रोज 2 घंटा 5 दिन के लिए। उनका भी ब्रेन का EEG निकाला गया और दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की। एक ग्रुप जो हाथ में पियानो लेकर बजाया उनका EEG ब्रेन का, और जिन्होंने मानसिक रूप से बजाया उनका EEG। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया कि दोनों ही 99.99% सेफ थे।
यानी जिन्हों ने एक्शन एक्शन की उनके जैसा ही केवल मानसिक रूप से एक्शन की सेम। तो हम सोचो कि हम चिंता करते मानसिक रूप में, दुख होता मानसिक रूप में, गुस्सा करते मानसिक रूप में, किसी ने अपमान किया उस भाव को पकड़ के रखते मानसिक रूप में, तो वो जो होल्ड निगेटिव एनर्जी जो हम होल्ड करते वैसा हम करते जाते, और उससे कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। तो साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी पर ये सब असर होता है। पहला कारण हमने देखा, इम्यूनिटी पावर कम हो गई, डिफेक्टिव सेल मल्टीप्लाई हो गए, कैंसर हो गया। दूसरा कारण हमने देखा, हार्मोनल इंबैलेंस हो गया और कैंसर हो गया। इसके सबके पीछे हमने कारण देखा कि मानसिक दुर्बलता, इसके कारण जब मन कमजोर हो जाता, नाराज हो जाता और कोलैप्स हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते ऐसे भावना निर्माण हो जाती है, मन की बातें किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसको होल्ड करने के कारण, ये स्ट्रेस के कारण, हार्मोनल इंबैलेंस के कारण सेल मल्टीप्लाई होते हैं और वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल समझो, हमारे यहाँ एक गार्डन है, गार्डन में हमने कुछ फ्लावर्स लगाए बराबर है, लेकिन फ्लावर्स के बीच में ग्रास आती रही तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, ग्रास को निकालते हैं, पूरा निकालते हैं, ऊपर का कट करते हैं, पूरा निकालते हैं। अच्छा, अगर पूरा नहीं निकालते ऊपर का कट कर दिया तो फिर से दोबारा आता है, फिर से ऊपर आता है, सच में क्या सच में? तो ये भी ऐसा ही है, अगर रूट से बीज से इस कैंसर को समाप्त करना है तो ऊपर का काटना माने मेडिसिन और नीचे का रूट को खत्म करना यानी मेडिकेशन, और दोनों साथ में रहे तो जल्दी जल्दी हेल्दी बनेंगे। क्या विचार है आपका? काटना भी है और बीज को समाप्त भी करना है। तो काटने के लिए दवा लेना, टैबलेट लेना, कीमोथेरेपी करना, रेडियोथेरेपी करना, सर्जरी कोई सर्जरी करना, फॉलोअप को बुलाया फॉलोअप को जाना, ये ऊपर का काटना है। लेकिन जो बीज है नीचे उसको समाप्त नहीं करेंगे तो ऊपर का काटा 6 महीने से वापिस फोड़ाएगा, और काटा नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको भी फोड़ाएगा, उसमें भी उठी जाएगा, वो भी वापिस जमीन में जाएगा यानी स्प्रेड होगा। कैंसर की स्पेशलिटी है वो जल्दी जल्दी स्प्रेड होता है, कैंसर एक जगह होता है, बोन में भी जाता, ब्लड में भी जाता, ब्रेन में भी जाता, इधर भी जाता है और फास्ट स्प्रेड होता है। तो उसको स्प्रेड नहीं होने के लिए ऊपर के पत्ते कंप्लीट काटना और फिर से नहीं आने के लिए रूट बीज को समाप्त करना। तो बीज को समाप्त करने के लिए मेडिकेशन है और ऊपर का काटने के लिए एलोपैथी की ट्रीटमेंट है, और दोनों साथ चले तो फिर हमारा फायदा है। समझा। अभी स्लाइड शो के माध्यम से हम कुछ बातें शेयर करेंगे। कैंसर क्या है, इसका एक ये डेफिनेशन है। कैंसर किसके किसके होते हैं इसके लिस्ट है, और फिर ये कैंसर पूरे विश्व में कितना फैल रहा है, कैसा फैल रहा है, कितना फास्ट फैल रहा है, इसके स्लाइड है। मैं जल्दी जल्दी में जाती हूँ, जितना आपने को आवश्यक है वही बातें हम करेंगे। तो कुछ कैंसर प्रिवेंट भी कर सकते हैं, क्यूरेबल भी है, अवेयरनेस की जरूरत है, कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं उसमें भी हमें भाग लेना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ओरल
कैंसर है, कैसे कैसे रेट में बढ़ते गए अभी तक, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। स्मोकिंग वगैरह कितना भय होता है, या टोबैक खाते तंबाकू खाते हैं, दारू पीते हैं, उससे कितना प्रॉब्लम होता है, ये सारी बातें हैं। तो बहुत ज़्यादा वेट करना या रेडिएशन को एक्सपोज रहना, ये सारी भी बातें आती है। इम्यूनो सप्रेशन कुछ ड्रग्स लेते होंगे, या बार बार इन्फेक्शन होता होगा, या हार्मोनल इम्बैलेंस होता होगा, फिर भी ये होता है। और खाने में अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया, ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है, ये खाने से भी कैंसर होने की संभावना होती है। साइकोलॉजिकल इसमें हम देखते हैं कि एंगर या गुस्सा आया लेकिन उसको फोन किया, किसी को बताया नहीं या रिलीज नहीं हुआ, तो भी कैंसर होने की शक्यता होती है। स्ट्रेस रहा और प्यार नहीं मिला जीवन में, फिर भी ऐसा होने की संभावना होती है। और जो हमने प्यार का दूसरे का ठीक है, लेकिन स्वयं से भी प्यार करना चाहिए, तो उसका एक उदाहरण एक डॉक्टर ने बताया। एक डॉक्टर है डॉक्टर गौतम, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो ट्यूमर का ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, वो डॉक्टर है, वो कर्नाटक में रहते हैं, और वो ये कैंसर के स्पेशलिस्ट है, कैंसर के ही ऑपरेशन करते हैं। लेकिन उनको पहले मेडिकेशन पता नहीं था, लेकिन उनको इतने सर्जिकल पेशेंट उनके पास आते थे, वो दिन भर सर्जरी करते थे, तो सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक सर्जरी करके खड़े होके करते थे। तो उनके पाँव में इतना दर्द होता था, वो पीछे से बोलते थे, सिस्टर को मुझे इंजेक्शन लगाना पैर पे, लेकिन सर्जरी चालू रहती थी, इतना उनका काम है, खुद की तरफ कभी ध्यान नहीं किया। और ऐसे काम करते हुए राइट हैंड से उनका सर्जरी होता था, लेफ्ट हैंड सपोर्ट भी उठा और खड़े होके करते थे। और उनके सडन उनको ऐसा हो गया, एक दिन लेफ्ट हाथ जो है वो उठ नहीं रहा था, सारे इन्वेस्टिगेशन किए, सब किए, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, सभी नॉर्मल निकला। तो फिर उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे अभी, तो फिर वो ऐसे ही प्रमुख वाले आश्रम में गए, बैठे 10-15 मिनट मेडिटेशन किया, और फिर वहाँ पर एक क्लास होता है जिसको मुझे क्लास कहा गया है, उसमें एक महावाक्य आया कि क्या आपने खुद को प्यार किया कभी, या अपने शरीर से इतना काम लेते हुए कभी उसको सॉरी बोला। तो फिर उस मेडिटेशन के अंदर उस डॉक्टर ने स्वयं के हाथ को सॉरी बोला कि मैंने इतने सालों से बस आपसे काम ही लेते रहा, कभी मैंने आपको शुक्रिया नहीं कहा, कभी थैंक यू नहीं कहा, कभी एक्सक्यूज भी नहीं कहा, कभी सॉरी नहीं कहा। और फिर उन्होंने उस दिन मेडिटेशन में बहुत सॉरी कह दिया, क्षमा मांगी और कहा, इस हाथ को कहा कि मैं आई लव यू ऐसा कहा, और उसके बाद में उनका जो दर्द वहाँ गया, आज तक दर्द नहीं गया। एक इसका एक्सपीरियंस है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो कैंसर के स्पेशलिस्ट है, वो ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, उनका एक फर्स्ट एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस के ऊपर फिर उन्होंने मेडिटेशन स्वयं सीखा। अभी उनके हॉस्पिटल में एक मेडिटेशन का हॉल बनाया हुआ है, जो पेशेंट को मेडिटेशन सिखाया गया जाता है, और प्लस उनका जो स्टाफ है, जो हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स हैं, उनको पहले मेडिटेशन करके ही ट्रीटमेंट के लिए आगे उनको रोज का रूटीन वो बन गया है। फिर उन्होंने एक हीलिंग गार्डन बनाया, उनके कैंपस में हीलिंग गार्डन बनाया, फिर वहाँ पर स्पेशल नक्षत्र उद्यान बनाया, और नक्षत्र के साथ मेडिटेशन करेंगे तो क्या फायदा होता, कैसा फायदा होता वगैरह वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन वो डॉक्टर ने एक एक्सपीरियंस के ऊपर फिर इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करना चालू किया। उनके पास जो सारे पेशेंट कैंसर के ही आते थे, तो उनको मेडिटेशन के जो सर्जरी करते थे उसके साथ साथ में मेडिटेशन करना शुरू किया। तो कैंसर का पेशेंट का कैसा होता है कि बहुत लंबा फॉलो रहता है ना, कि ऑपरेशन हो गया 8 दिन से आओ, फिर 1 महीने से आओ, फिर 2 महीने से आओ, फिर 6 महीने से आओ, फिर 6 महीने से आओ, फिर 8 दिन हर साल आओ, ऐसे लॉन्ग 17-17, 18-18, 20-20 साल का फॉलो होता है। तो उन्होंने ऐसा देखा कि उस फॉलो में कि जिन्होंने मेडिटेशन किया है उनका कैंसर बहुत जल्दी खत्म हो गया, जीरो हो गया। फिर उन्होंने खुद के एक रिलेटिव का भी एक एक्सपीरियंस देखा कि उनकी स्वयं की
एक चचेरी बहन थी, उसको हो गया कैंसर, वो भी मेडिटेशन हमको सिखाया वगैरह। तो दोनों ही मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों के साथ साथ इतना अच्छा इफेक्ट उसको उनको मिला कि ग्रास रूट जो रूट कॉज है वही नष्ट अगर हो गया तो वापिस वापिस कैंसर की गाठी आना या मेटास्टेसिस होना या कैंसर का फैलना वो रुक जाता है। तो ये एक्सपीरियंस है, लैक ऑफ लव भी एक कारण बनता है, ये दूसरों का लव नहीं लेकिन स्वयं का स्वयं के साथ भी लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ये अपना शरीर ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, इनसे हम काम लेते हैं कार्य लेते हैं लेकिन कभी हम उनको थैंक यू भी नहीं कहते, कभी सॉरी भी नहीं कहते। ये दोनों ही बातें हमें रोज के रोज बोलना चाहिए, सोने के पहले हमारे पूरे शरीर को सॉरी हमने किया, आपको बहुत ज्यादा काम कराया और थैंक यू आपने हमें हेल्प किया, इसके लिए ये दो बातें अगर हम रोज करते रहे तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, हीलिंग पावर भी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। जो कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेस और कुछ फिजिकल जो मैंने अभी आपको बताई है, डीएनए में कैसा चेंज होता है, इम्यूनिटी पावर और किलर टी सेल्स कैसे होते हैं, तो ये सारी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर मन शांत हो, सशक्त हो, तो ये तीनों भी पावर हमारे अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर मन शांत नहीं तो तीनों ही पावर हमारे काम नहीं करते। कुदरती पावर है तीन, इम्यून सिस्टम ये रोग प्रतिकार शक्ति, डीएनए जो रिपेयर करते हैं एबनॉर्मल सेल को, अगर ये डीएनए ठीक से काम नहीं करते तो जो एबनॉर्मल सेल बने डिफेक्टिव सेल को रिपेयर नहीं होते और ऐसे ही सिस्टम में आ जाते हैं। और किलर टी सेल यानी जो एबनॉर्मल सेल है उनको किल कर देते हैं, लेकिन ये तीनों ही सिस्टम कब काम करती है, जब मन शांत हो, सशक्त हो, तभी काम करती है। मन कमजोर हो गया, गुस्सा होल्ड किया, मन में बहुत सारी बातें दबते रह गई तो फिर ये सारी बातें होती हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं मन का आपको समझ में आ जाता है और ये सभी हम खुद के खुद करके इससे बाहर आ सकते हैं। कि आपने देखा कि क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए क्या क्या होता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये पूरा, उसका पैथोजेनेसिस है कैसा कैसा क्या क्या होता है, लेकिन समय के कारण मैं इसको आगे आगे ले लेती हूँ। फिर रे ऑफ होप, मुझे हमारे पास आशा का किरण है ही कि हम ये पूरा ही कैंसर सदा के लिए खत्म कर सकते हैं। कैंसर जब जेनेटिक हो जाता है, कैंसर ये डिसीज जब जीन्स के ऊपर आ जाता है, जेनेटिक हो जाता है, तो हमारे कारण हमारे बच्चों में भी आ सकता है। तो हमारा हुआ ठीक है, बच्चों को तो नहीं होना चाहिए, सही है ना, हम तो कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को ऐसे हो। तो जेनेटिक लेवल पर हमारा कैंसर पहुंचे ही नहीं, उसके पहले रूट कॉज से वो समाप्त हो जाएगा, तो उसके लिए मेडिकेशन है। आगे बढ़ते हैं, माइंड बॉडी और मेडिसिन, मन से कैसा इफेक्ट होता बॉडी पर और मेडिसिन कैसा लेना चाहिए, साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी जो मैंने आपको समझाया है, और थेरेपीज में मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, एफर्मेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, गाइडेड इमेजिनरी बातें है, हिप्नोसिस है, योगा है, म्यूजिकल थेरेपी है, मेडिटेशन के अंदर ये सारा मिलाकर एक जो है राजयोगा मेडिटेशन है। जो थेरेपीज यहाँ पर मैंने अभी पढ़ के बताई ये सारा मिलकर एक ही राजयोगा मेडिटेशन में आता है। तो ये सारी बातें हमने देखी, ये तो बहुत बड़ा है और मैं अगले टाइम ये सारी बातें आपको आपके साथ करूंगी। आगे बढ़ते हैं, अभी हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ हेल्थ जो
जो शब्द है उसका अगर हमने ये किया तो हील योरसेल्फ, ऐसा उसका अर्थ होता है हील योरसेल्फ। यानी हीलिंग पावर हमारे पास ही है, हीलिंग पावर हमारे पास ही है। हमारे पास माने किसके पास, हमें कौन, मेरे पास है, मेरे शरीर के पास है, क्या आत्मा के पास है, सोल के पास है, मन के पास है। मन एक एनर्जी है, बुद्धि एक एनर्जी है, संस्कार एक एनर्जी है, और तीनों एनर्जी मिलकर एक एनर्जी है जिसको रूह कहा गया है, जिसको आत्मा कहा गया है, जिसको सोल कहा गया है। वो एक तीनों एनर्जी मिलकर वो एनर्जी है, और वो एनर्जी में हील पावर है। तो हील योरसेल्फ, हम सोल कॉन्शियस होकर स्वयं के रूह को जागृत करते हुए हम स्वयं का हीलिंग स्वयं ही कर सकते हैं। केवल उसकी मेथड हमें पता चले, और वो मेथड यानी मेडिटेशन है। और दूसरा शब्द है स्वस्थ, जो संस्कृत शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ यानी स्व में स्थित होना, स्व यानी मैं यानी फिर से सोल, सोल कॉन्शियस होना, स्वयं में जो रूह है इसको जानना, पहचानना, उसको स्वरूप में लाना, तो वो सभी हीलिंग पावर हमारी बढ़ाता है। तो मैंने कहा कि ये चार एनर्जी काम करती है, तो भी सोल के लेवल पर, मन के लेवल पर, शरीर के लेवल पर, और जो जीवन हम जीते हैं, चलते उठते बैठते सबको मिलते बात करते है ना, तो ये भी एक सोशल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी और सोशल एनर्जी, हमारे चार एनर्जीज काम करते हैं। इसमें एक भी डिस्टर्ब हो गई तो भी दिस इज हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा साइंस है, मुझे लगता है इस गहराई में जाएगा तो जो भी सुना वो भी ये हो जाएगा। तो मुझे लगता आज के सेशन के लिए इतना ही बस है। आपको समझा कैंसर क्यों होता है, आपको समझाया कि पेट क्या होता है, बीज क्या होता है, आपको ये भी समझाया कि कौन से एनर्जी काम करती है, अपने को ये भी समझा कि कैंसर को पूरा समाप्त कर सकते हैं, ये भी समझा कि आज का भी हुआ है हमारे बच्चों को नहीं होना चाहिए, इससे जल्दी जल्दी पेट को भी काटो और बीज को भी समाप्त करो, ये भी अपने को समझा। तो आज इतना समझा करना बस है। अभी हम अगले सेशन में मेडिटेशन कैसा करना है और लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आत्मान कैसा होना चाहिए, एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए, साउंड स्लीप आने के लिए, अच्छी नींद आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये और ऐसे बातों पर गहराई में जाकर हम ये सारी बातें सीखेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा, खुशनुमा जीवन होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम भी हेल्दी रहेंगे, परिवार भी हेल्दी रहेगा, सोसाइटी भी हेल्दी बनेगी, और यही तो हमारा मकसद है। तो हम केवल एक मिनट का मेडिटेशन अभी करेंगे, एक्चुअली मेडिटेशन सिखाना हो तो उसको और एक घंटा लगेगा, इसलिए वो सेशन हम अगले टाइम लेंगे। लेकिन इतना तो आपको समझा कि मेडिटेशन से क्या होता है। इस आज का सेशन में अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल हो आज के सेशन के ऊपर आप पूछ सकते हैं। जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारा दिखाई दे रहा है न्यूज, जो मैंने अभी औरा के बारे में बात करी, औरा बच्चे कैसे हैं, मन में जो सोच विचार है, जो भावनाएं हैं, जो चिंतन है, हो सकता पॉजिटिव हो सकता निगेटिव हो सकता मिक्सर, बराबर, इसके कारण अपना औरा बनता है, सही बात है ना। फॉर एग्जाम्पल,
किसी व्यक्ति के पास अगर देखा तो अच्छा लगता है कि पहचानत का हो या बिन पहचानत का हो, या किसी के पास देखा वो भी पहचानत का हो या बिन पहचानत का हो, अच्छा नहीं लगता। एक्सपीरियंस है ऐसा, अनुभव है ऐसा, किसी को देखा तो अच्छा लगता और एक प्रसन्न लगता है, मन फ्रेश हो जाता है, और किसी को देखते लगता थोड़ा लंबा रहे तो अच्छा है ना। ये और क्या और जिनका पॉजिटिव और आ है उनको लगता कि बार बार मिलना अच्छा लगता, और जिनका निगेटिव और आ है उनसे हम दूर रहते हैं। और हमारी सोच विचार चिंतन मनन से बनता है, और इस ऑरा में अगर धब्बे आ जाए तो डिसीज होता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो ऑरा क्लीन करना है, अगर हम ऑरा क्लीन करते हैं तो वो डिसीज शरीर के आने के पहले ही निकल जाता है। उसके लिए मेडिटेशन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको ही राज योग का मेडिटेशन कहा गया है, कि जो अगले समय से अगले का क्लास से हम सीखने वाले हैं। सिखाने के लिए तो मैं आज भी सिखा सकती हूँ कि दो घंटा और इतना नहीं जाएगा ब्रेन में, आज जो सीखा उतना ठीक है। मेडिटेशन की जानकारी मैंने किताब लिखा है, वो यहाँ पर अभी हम आदरणीय ज्येष्ठ पत्रकार के हाथों उसका इनॉग्रेशन करेंगे। जिनको चाहिए उनको 50% कंसेशन में दिया जाएगा, आप ले सकते हैं। आरोग्य जागृति के पास स्टॉक है उसका, तो उसमें भी है मराठी में हो, लेकिन मेडिटेशन का महत्व बताया गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उसमें है कुछ जो आपको नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी समझ करेगा और किसी को कुछ पूछना है बोली बोली, किसी को पूछना होगा बोलो बोलो। आजोबा समझ रहे हैं, दीदी आपको कुछ पूछना समझा, चाचा जी आपको पीछे समझ में आया, सबको समझा इधर यस, सबको समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट मेडिटेशन करते, मेडिटेशन अभी हम अगले से सीखेंगे, लेकिन जस्ट मैं एक मिनट का गीत लगाने वाली हूँ, उसको ध्यान से शांत बैठे हुए आंखें बंद करते हुए केवल सुनो, ठीक है। फिर मेडिटेशन में हम नेक्स्ट क्लास हमारा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं, इसके आगे के सारे क्लास ऑनलाइन होंगे। अभी तो मेरा चेहरा पेजर में आ गया, आपको सिखा देख के डर लगा ना, और डर लगा तो उसके आगे सारे सेशन हम ऑनलाइन लेंगे, और ऑनलाइन पर आप जुड़ जाइए। लेकिन जब ऑनलाइन शुरू हो जाए तो 1 सेकंड भी मिस नहीं करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिलती रहेगी, इंट्रैक्शन हम करते रहेंगे, और ये कैंसर को रूट से लेकर घाट पर फेंक देंगे। हमारे जीवन में भी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के जीवन में भी नहीं चाहिए, और पूरे विश्व से उसको निकाल देंगे, ठीक है। चलते वही बात मैंने चलते बोलते मेडिटेशन करना कैसा करना है नेक्स्ट टाइम सिखाने वाली हूँ। इसमें पहला सवाल इनका यही लेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसा करना है, चलो यही सब्जेक्ट पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। 1 मिनट ब्रीथ लगेगा, शांति से बैठना है, सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांसों को साक्षी भाव से महसूस करना है, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। अपनी कमर सीधी कीजिए, आपके ऊपर हाथ रख लीजिए, बहुत अच्छा, आपके बंद कर लीजिए, बहुत अच्छा, और सांसों की तरफ ध्यान दीजिए, जो सांस हम लेते हुए छोड़ते हैं उसको साक्षी भाव से ध्यान दीजिए,
और ध्यान देते देते गीत लगेगा और गीतों के साथ एक रूप हो जाएंगे। खूप चांगल्या मॅडम मार्गदर्शन दिलेलं आहे। तुकाराम महाराजांनी सांगितले
बोलते धन न देखावे एवढा म्हणून येतो धन म्हणजे जग आणि कळवा म्हणजे काळजी बोलते धन न देखावे एवढा म्हणून येतो कळवा म्हणजे हा पूर्ण जग आहे हे बुडत आहे विविध आधारांवर खास करून कॅन्सर होतोय कॅन्सरचा आधार खूप सुरुवात आणि जास्त होत आहे आणि त्याला जर संपायचं असेल तर आयुर्वेदी मेडिटेशन मेडिकल मेडिसिन तर गरजेचं आहे सोबत त्याच्या सोबतच मेडिटेशन कसं करतात खूप संपायचा रूट पासून संपायचं असेल तर मेडिटेशन कसे गरजेचं आहे हे मॅडम खूप चांगल्या पैकी पीपीटीद्वारे आणि त्यांच्या मार्गदर्शन खूप चांगलं प्रदर्शन केलेलं आहे आमचे मित्र पत्रकार यांचं मी स्वागत करतो यानंतर फक्त मॅडम सेशन जे असेल त्यावेळेस लक्षपूर्वक पण त्या होत नाही कारण तिथे प्रश्न असतो आपण जर ज्ञान दिलं
म्हणून जर विचार झाला तर आपल्या व्यवसायात म्हणजे आपल्याला ऊंच केली तो आपल्याला असं समजू शकेल नाही तर तसं विषय नाही तर पैसे असं म्हणावं लागेल की संपूर्ण आपल्या जन्मतास जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सगळ्यात महत्वाचा घटक जर काय असेल तो मानसशास्त्र या मानसशास्त्राला आधार घेऊन दुसरा महत्वाचा मुद्दा त्यांनी समुपदेशन म्हणतात समुपदेशन त्यांनी एवढं कृषी चित्रीकरण दिलेलं आहे आपण एखादा चित्रपट पाहायला जातो आणि तो चित्रपट आपल्याला आवडला की आपण डॉक्युमेंटरी की आपण त्यांना सांगतो तर आपण त्याच्यामध्ये ट्रेलर म्हणून थोडी माहिती सांगतो त्यांनी ट्रेलर असं सांगितलंय की तुम्हाला पुस्तक हे भागच आहे कारण एवढी माहिती सांगतो कोण आणि पहिली गोष्ट त्या नेत्रलोकाच्या संदर्भामध्ये ज्या असल्या तरी त्यांनी जे काम केलेलं आहे दोघींचं काम वेगवेगळं स्वरूप आहे डॉक्टरचं वेगळं काम आहे इथे आता मी तुम्हाला दोन शब्दांचे अर्थ कळले एक देवदूत काय असतो देवदूताच्या स्वरूपात डॉक्टर आलं पाहिजे दुसरा शब्द जो आहे तो ध्येय वडे हे दोघं जे आहे ते ध्येय वडे आहे ध्येयाला आपण वडे पण घेतल्यानंतरच ध्येय प्राप्ती होत असते आणि तिसरं एक आनंदाचं गोष्ट आहे की डॉक्टरच्या पुस्तकाचं प्रकाशन वैज्ञानिक असतं त्या गोष्टी सांगण्यासाठी आहे आपण परदेशामध्ये जेवत आहोत तेव्हा परदेशामध्ये वैद्यकीय जी यंत्रणा आहे वैद्यकीय यंत्रणा सगळ्यात महत्वाचा घटक जर कुठला असेल तर त्यांच्या रुग्णांमध्ये पहिल्यांदा समुपदेशनाला मान दिलेला असतो समुपदेशनामध्ये त्यांची पहिल्यांदा तिथे येणारा रुग्ण आहे त्याची विचारपूस केली जाते त्याचा आजार कुठला स्वतंत्र आहे त्या आजाराला कोणकोणती औषधे आहे होमिओपॅथी आहे का आयुर्वेदिक आहे का ॲलोपॅथी आहे का याची माहिती सांगितली जाते आणि माहिती सांगितल्यानंतर की त्याला खर्च किती येणार आहे सांगितलं जातं पुढच्या वेळी तुम्ही आम्ही परदेशामध्ये जातो पण या देशाला प्रगत करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला ज्या गोष्टी निवडून घ्यायच्या आहेत त्याचा विचार आपण करतो आणि हा विचार करणं फार आवश्यक आहे कारण आता सध्याच्या या संपूर्ण वैद्यकीय व्यवस्थेमध्ये काय चाललेलं आहे तुम्हाला आपण माहिती आहे आपण एक तर निषेध करायला शिकायला पाहिजे नाहीतर आपण दुसरी गोष्ट जी आहे ते आपण कुठल्याही वैद्यकीय दुकानामध्ये गेल्यानंतर आपण बार्गेन करतोय सगळ्यात वाईट गोष्ट आहे तर ते उदाहरण सांगतो मी काही दिवसापूर्वी माझ्या काही तपासण्या करायच्या होत्या पत्रकारांना ते मला खूप मोठी माहिती आहे कोणी मुखर्पण करणार असते कोणी तशी करणार असते त्या ठिकाणी विचारपूस केली ते म्हणतात की 26 खर्ची तुम्हाला तर दुसरीकडे विचारलं 21 खर्ची असं करता करता माझी ती जी आहे चाचणी ती 550 आली म्हणजे मला हे सांगा तुम्हाला जर 550 पर्यंत जर जमत असेल त्याच्यामध्ये तुमचं मागील प्राप्त असेल नसलं तर तुम्ही का बरं असं रुग्णांचे आयुष्य घेतात हा प्रश्न जो आहे तो ग्राहक पंचायतचा प्रश्न आहे आम्ही ग्राहक पंचायत संदर्भात फार काम केली आहे मला माझं मोठे पण सांगायचं म्हणतो आपण कुठे कमी कोणतोही सांगत आहोत आपल्याकडे कोणीही ग्राहक पंचाकडे एका न्यायालयाच्या दृष्टिकोनात पाहत नाही दुःख हिशोबात विकाय कारण का तुम्ही त्याच्याकडे 90 दिवसाच्या आत तुम्हाला सगळे निर्णय मिळतात आता आज उशिरा होत आहे कारण त्यांच्याकडे ज्या न्यायमूर्तींच्या संख्या वाढायला पाहिजे त्या भरल्या जातील त्याची अनेक अडचणी असते पण तिथे तुम्हाला वकील लागत नाही तिथे तुम्हाला पोलीस लागत नाही तुमच्याकडे असणारी प्रत्येक एक चिठ्ठी तुम्हाला न्याय देण्याचं काम करते पण याचा विचार आपण करत नाही हा विचार होणं आवश्यक आहे आणि त्याचबरोबर ज्यांनी ते सांगितलं आहे त्याच्यामधला सगळ्यात महत्वाचा जो हे आहे तो समुपदेशन आहे या समुपदेशनाचा अर्थ आपल्याला कळणं फार महत्वाचं आहे समुपदेशन ही खऱ्या अर्थाने आई करते आणि मी तर म्हणतो की आई ही समुपदेशाची उद्गात आहे काय पद्धतीने सांगत असते सगळे आई असं करू नको जसं करू नको ही चूक केली चूक आहे असं केलं तर काय होईल आणि या तरी ज्या वेगळ्या होतात या आईची कमी होती अशा पद्धतीने काम करणारी माणसं असतात तर त्यांच्या पाणी करून आपले चांगले असतात कारण एक तर पहिली गोष्ट आहे मोफत काम करणारे जे असतात माणसं त्यांची किंमतच नसते हा एवढी मुले यांनी जर सांगितलं तुम्ही मला कार्यक्रम म्हणून टाकून ना तर मला कमीत कमी 10,000 रुपये ते लागते पण आपलं पाणी दुष्पण बदलतो अरे 10,000 रुपये म्हणजे त्याच्याकडे खूप नेर आहे आपलं मूल्यमापन त्यांच्या पैशावरती करावं शकते आणि हे जर आपल्याला टाळत असेल तर आपल्या माध्यमातून सगळ्यांनी जे काही चाललेले गोष्टी आहेत त्याचं एकत्रीकरण व्हायला पाहिजे आणि एका प्रकारे त्यांच्या फक्त चांगले होण्याची बेरीज होणं आवश्यक आहे आणि अमूल्याची वजावती होणं आवश्यक आहे आपण नेमकं कोणत्या पद्धतीने करतो आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे वैद्यकीय व्यवसाय असू द्या कुठलाही व्यवसाय असू द्या याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्वाचा जो घटक आहे तो घटक आहे व्यक्ती आपण जर व्यक्तीशी भांडतो आपण प्रवृत्तीशी भांडतो आपलं भांडणं प्रवृत्तीशी व्हायला पाहिजे आमचे मित्र आहेत आम्ही त्यांच्याशी फक्त भांडतो पैसा करताय अरे पण त्याच्यामध्ये काही चुका आहेत ज्या कमतरता आहेत त्याच्याशी भांडतो
पुढचा जो कार्यक्रम होणार आहे तो कार्यक्रम याच्यापेक्षा जास्त रेंजमध्ये व्हावा अशी अपेक्षा बाळगतो. आपल्याकडे सध्या परिस्थितीमध्ये लोकांना वेळ नाहीये असं सांगण्याचं फक्त कारण आहे. त्याच्यावर तुम्हाला कादर खान ते संवाद आठवतो. कादर खान ते चित्रकार होते. तो स्वतः कादर खान सांगतो, कादर खान म्हणतो की हमें किसी ने भी बुलाया तो हम घर में मच्छर मारते बैठते मगर हम उनको बोलते कि हम बिजी है. आपल्याकडे काही संस्था व्यक्ती असू शकते. आता आपल्याला कोणाची उन्हे सुरू करायची नाही तर आपण कुठल्या घटकांना न्याय देणार आहोत. कर्करोग हा फक्त माझा नाही आहे, कर्करोग हा समाजाचा आहे. समाजाप्रती कर्करोग आणि पीडित असलेले पडसाद व्यक्ती पाहत असतो तेव्हा आपण त्यांच्यापेक्षा खूप चांगले आहोत की आनंदामध्ये आपण राहतो आणि हा आनंद आपल्या आयुष्यात पूर्ण राहतो. यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे. मी जाताना फक्त तुम्हाला एकच सांगणं आहे की यांचं जे काही समुपदेशन जे असेल यांनी जे काही काम केलेलं आहे त्यांनी जे काम केलं ते अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. मी पैसे आढळलेलं असून ते हरिप्रदावरती काम करतो आणि ते काम करत असताना जसं या ध्येयवड्यांनी काम केलं तसं मी वेळ विचारतो होतो की संकेत असा आपल्या याच्याशी काही संबंध आहे का याच्यात माझं काम केलं आहे. आणि मोठ्या प्रमाणात संगीताच्या माध्यमावरून आपले रोगमुक्त होत चाललेले आहे. दुर्दैवाची आधुनिक गोष्ट आहे की मला जर तो म्हणत असेल मी जाती खात्याच्या पलीकडे आहे की ओम जर म्हणत असेल तर आमच्या आधीचे म्हटलं होतं अरे हिंदू लोक आहेत बहिणी तो बोलू असतो अरे तुझ्या शरीराशी संबंध आहे ना बाबा तुला जीवन करायचंय ना तुला काम करतेस ना मग तू आदर स्वीकार कर. माझ्या मित्राची आई अशी एकदा अत्यंत अत्यवस्थ झाली होती. मी जेव्हा शासकीय मंत्रालयामध्ये कामाला होतो मी 115 वेळा रक्तदान केले ते सांगणं फक्त महत्वाचं नाही मी त्याच्या आईला म्हटलं याला म्हटलं तुम्ही तू काही तो त्याचा वापर करू दिली नाही बरं तुम्हाला घुमले चालता बोले तू हिंदू आहे खाड रंग त्याच्या तोंडामध्ये माती तू मित्र माझा तुम्ही अरे रक्ताला म्हणजे जातीच्या धर्माच्या त्याला रंग आहेत का तर आपण या संपूर्ण अंधविश्वासून जे फिरत असतो करता एक मी तुम्हाला किस्सा आता सांगणार नाही पण त्या व्यक्तीबद्दल विचारा त्याची काय अवस्था झाली होती आणि त्या अवस्थेमध्ये तो आजीवंत आहे. सांगायचं तात्पर्य की आपली जोपर्यंत माणूस किती होत आहे ना तोपर्यंत तुम्ही सगळं होऊ शकतो. एकही महिला कुठल्याही समाजातील जर असेल की रस्त्यावर तरी वाळंती होणार असेल तेव्हा कुठलीही महिला विचार करत नाही मुसलमान आहे किंवा हिंदू आहे किंवा गुजराती आहे किंवा मुस्लिम ते आपण शिकणं आवश्यक नाही. या गोष्टी खूप शिकण्यासारख्या आहे आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे हे फक्त समाजामध्ये महिला त्या संकटामध्ये कारण त्यांच्याकडे मायेचा पदर असतो आणि हा मायेचा पदर जातीपातीच्या पलीकडे असतो आणि जातीपातीच्या पलीकडे मी माणूस शिकतो असतो. काही मी अपेक्षा खूप वाढवलेल्या आहेत. पुढच्या वेळेला कार्यक्रम किती चांगला होणार आहे कसा होणार आहे हे आम्ही फक्त आता स्वप्न पाहतोय मी याच्यामध्ये गेलो नाही सगळं पूर्ण पण मला याचा अर्थ यांना पुन्हा हे करायचं की तुम्ही काय केलं याच्यापेक्षा सरळ लोकांना माहिती लोकांना याचं काही माहिती नसते पण मला माहिती असं दाखवण्यासाठी फार माणसाने बोलायला येत नाही. तुमचा हा कार्यक्रम जो आहे तो फार मोठ्या प्रमाणात जर झाला तर त्यासाठी मला जर काही करावं लागतं त्यांना काही करावं लागतं तर आमच्याकडची तुम्हाला जर काही करावं लागेल तर मी त्यासाठी तयार आहे. आणि माझा एक विचार असा आहे की तुम्हाला महाराष्ट्र शासनाने अनावश्यक पद्धतीने कोणाही लोकांना काही पुरस्कार दिले होता. मी आता एकदा पडल्यानंतर विद्यार्थी असल्यामुळे मी मोकळेपणाने शासनावरती काही कर्तव्य होणार गोष्ट आहे का बरं यांना या संपूर्ण याचा राजू म्हणून आली म्हणून अम्बेसेडर म्हणून आली म्हणून हे काम तुम्ही आम्हाला करवायचे सुद्धा ते औरंगाबादच्या आपल्या कुणाच्या आहे म्हणून करत आहे मी त्यांच्याकडे आपल्याला त्यानंतर आपण करायचं आहे. आपण अनावश्यक पद्धतीने कोणतरी नाव सुचवतो आणि त्या माणसात त्याच्यात काहीच नसतं बरं का आणि हे माणसं तेव्हा तरी मोठे होत जातात काहीतरी जर असे एवढे इंग्लिश जण आहे अजून आपल्याला प्रत्येक कसं ते का उंजळवर पाणी सागरामध्ये काढलेलं आहे का आता सागर किती बदल असणार आहे हा या सागर तुम्ही आपला खंडर राजू म्हणून अभ्यासक्रम म्हणून करताना तर आपण एक पत्र लिहू शकतो असणारा आणि आपले जे कोण मित्रमंडळी असतील ते पण काय त्यांचा माझा समोर त्यांच्या वडिलांची जरी असला संबंध तरी जरी असला तरी एक व्यक्ती जर चांगलं काम करत असेल तर त्याच्यासाठी त्यांच्या पाठिंबा स्थापण्यासाठी आपल्या हात पुढे करायचं एवढं सांगतो. आणि आमचं जाताना फक्त एकच संबंध जो राहिलेला आहे की तुम्हाला जर खरा विचार करत असेल तर त्याच्याबद्दल मानसशास्त्र दृष्टिकोनातून एक विचार करा तो फक्त 3 शब्द आहे कालचं आठवायचं नाही एका शब्दावर कालचं आठवायचं नाही आजचं साठवायचं नाही आणि उद्याचं गोठवायचं नाही या 3 गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा. धन्यवाद.
जागृती।